पर में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं अभी आज के वेबिनार सेशन की ओर। हम अगर देखते हैं कि 16 साल एक उस उम्र में एक बच्चा क्या सोचेगा, और स्पेसिफिकली अगर किसी लड़की की बात करते हैं तो 16 साल की उम्र में क्या सोचती होगी। लेकिन आज की जो कहानी है वो ऐसे एक इंसान की है कि जिन्होंने सिर्फ 16 साल में ये ठान लिया था कि उनको अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या करना है। और ऐसी व्यक्ति जिन्होंने उस तरीके से वो काम किया कि उनको आज पद्मश्री भी मिला है। तो आज की जो कहानी है वो है सुधा वर्गीस जी की। सुधा वर्गीस जी, जैसे हम देखते हैं तो वो रहने वाली थी केरला की। केरला में जब वो अपना स्कूलिंग कॉलेज कर रही थी, तब सिर्फ 16 साल की उम्र में जब वो कॉलेज में थी, तब उन्होंने एक मैगजीन पढ़ी। वो मैगजीन में एक बिहार की कम्युनिटी है मुसाहर, उसके बारे में उन्होंने पढ़ा और उनका मन बहुत विचलित हो गया। और तभी उन्होंने डिसाइड किया 16 साल में कि उनको इन कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। जब उन्होंने ये थॉट अपने पिताजी के पास रखा कि मुझे बिहार जाना है और बिहार जाके उनके लिए काम करना है, तो उनके पिताजी एकदम स्तब्ध थे, नम थे, वो उनके सामने कुछ भी नहीं कह पाए। लेकिन उन्होंने जैसे ही उनका कॉलेज खत्म हुआ, ट्रेन पकड़ी और वो बिहार गए। बिहार जाने के बाद में वहां पे उन्होंने एज अ टीचर काम करना स्टार्ट किया। लेकिन जब उन्होंने एज ए टीचर काम करना स्टार्ट किया, तब उनको पता चला कि मैं जिस उद्देश्य के लिए, हेतु के लिए यहाँ पे आई हूँ, अभी भी मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए उन्होंने इमिजिएटली वो काम करना छोड़ दिया और मुसाहर कम्युनिटी, यानी ऐसी कम्युनिटी जो कि ब्रिटिश राज से उनका एक ही काम था कि चूहों को पकड़ना, और उनके अलावा उनको ना ही कुछ समाज में अधिकार, ना ही कुछ समाज में उनको काम दिया जाता था। उनके जो पुरुष थे उनके लिए तो भले ही वो दूसरा कुछ काम कर लेते थे, लेकिन जो लड़कियां थी वो लड़कियों के लिए कुछ भी काम नहीं था, वो कुछ कर भी नहीं पाती थी, उनको बेसिक स्कूलिंग एजुकेशन भी अवेलेबल नहीं था। Recording stopped. यही सोच के उन्होंने Recording in progress. इमिजिएटली उन्होंने एक जो एनजीओ है वो एनजीओ स्थापन की, जिनका नाम है नारी गुंजन। ये एनजीओ में उन्होंने अपना जो ये एनजीओ के प्रति उन्होंने इसमें जो भी स्कूलिंग है अपनी मुसार कम्युनिटी की, जो लड़कियां हैं उनके लिए उन्होंने स्कूलिंग स्टार्ट किया, नए नए स्किल्स स्टार्ट किए। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां पे उनको स्पोर्ट्स एजुकेशन, कराटे एजुकेशन, हर एक एजुकेशन दिया। और आज उसकी ही बदौलत ऐसा है कि यही लड़कियां इंटरनेशनल लेवल पे, कई लड़कियों ने गोल्ड मेडल भी लाया है स्पोर्ट्स में। तो ये कहानी है आज की सुधा वर्गीस जी की, जिनका ये मानना है, जो आज 75 साल की है लेकिन पिछले 60 साल से वो इन इन बच्चियों के लिए काम कर रही है। उनका यही मानना है, जब बिल गेट्स भी बिहार में आए तब उन्होंने इनके वक्त को बहुत, इनका जो काम है उसके लिए उनको बहुत सहारा। तो अल्टीमेटली इनको जब पूछा गया कि इनका बोलना क्या है, तो इनका ये बोलना है कि आपके सामने आपका जो एज है वो एक सिर्फ नंबर है, इम्पोर्टेंट ये है आपका उद्देश्य क्या है, आपका हेतु क्या है, और आप अपने देश और समाज के लिए क्या करना चाहते हो। तो ये थी कहानी एक सामान्य व्यक्ति की, जिन्होंने एक अपने असामान्य जर्नी हमारे सामने रखी है। वैसे ही एमसीएल के जर्नी में कई ऐसे असामान्य व्यक्ति तैयार हो गए, जिनका जज्बा तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम भारत देश को नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नहीं बना सकते। तो चलिए अभी बुलाते हैं ऐसे इंसान को जिनका जज्बा ही हमारी प्रेरणा है, ऐसे डायनामिक लीडर, हमारे एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम घोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसके बारे में हमें पता होता है कि वो चीजें हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है। जीवन में कुछ करना है, बनना है, फुल एकदम अच्छी तरह के फैमिली लाइफ, सामाजिक लाइफ, सभी तरह की जिंदगी अच्छी तरह से जीनी है तो उसके लिए वो चीज कितनी जरूरी है। जैसे कि शिक्षा, एजुकेशन। अभी एजुकेशन या शिक्षा हमारे हर एक के लिए कितनी जरूरी है,
और शिक्षा के साथ हम कितनी अच्छी तरक्की कर सकते हैं ये ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स सभी लोग जानते हैं। इसलिए सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सके। हर देश चाहता है कि उनका समाज ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसके जो इतनी ही जरूरी होती है अच्छी तरह से जिंदगी जीने के लिए, फुलेस्ट मैक्सिमम जिंदगी जीने के लिए, लेकिन वो चीज इतनी जरूरी है ये शायद हम समझते नहीं, हम रियलाइज नहीं करते और उसको नजरअंदाज करते हैं। और ऐसी चीजों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लोगों के लिए, समाज के लिए, वो है स्पोर्ट्स, वो है खेलकूद। दोस्तों शिक्षा से, एजुकेशन से हम डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, हम किसी विषय में प्रवीण मास्टर बनते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं, और फिर उसी विषय को लेके हम पूरी जिंदगी में अपना ऑक्यूपेशन, अपना करियर उसको डेवलप करते हैं। दोस्तों लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब जिंदगी अच्छी तरह से जीनी है, खुशहाल जिंदगी जीनी है, मैक्सिमम हमारा पोटेंशियल उसको डेवलप करना है, तो इसके अलावा कुछ चीजें लगती हैं। लाइफ में उतार चढ़ाव होता है, उसको फेस करने की ताकत लगती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लगता है, एक सेल्फ इस्टीम लगती है, बहुत सारी ऐसी चीजें लगती है कि जिसमें हमारी ये स्किल्स डेवलप होना जरूरी है। और ये सभी स्किल जिंदगी जीने के सबसे अच्छे जो तरीके हैं वो हमें सिखाते हैं खेलकूद। क्या चीजें करना चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, कैसे हमारे कैरेक्टर को डेवलप करें, ये सभी चीजें कभी कभी शायद हमारे स्कूल कॉलेज में सिर्फ बताया जाता है, लेकिन इसमें ट्रेन अगर कुछ चीजें करती है तो वह खेलकूद। दोस्तों खेलकूद हमारे समाज के लिए भी उतनी जरूरी है। क्या आपको पता है कि समाज का एक कैरेक्टर होता है, समाज में कई सारी चीजें होती है कि जहां हम समाज में खुद को सेफ या सुरक्षित या ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। ऐसा समाज जो शांतता प्रिय हो, ऐसा समाज जो प्रोडक्टिव हो, ऐसा समाज जिसकी सोच अच्छी हो, ऐसा समाज जहां लोगों को रिस्पेक्ट दिया जाता है, ऐसे समाज को कौन नहीं चाहता, ऐसा समाज हो इसलिए सब लोग कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा समाज अगर कुछ कुछ कर सकता है, जिसका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा समाज करने में हो सकता है, वो है खेलकूद। ऐसा समाज जिसमें एंटी सोशल एक्टिविटीज बहुत कम हो, अपराध कम हो, ऐसा समाज तैयार कोई कर सकता है तो वह खेलकूद। कैसे? सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन इस खेलकूद का क्या है, तो ये खेलकूद लोगों को एक करता है, एकत्मता को प्रोत्साहन देता है। अगर आपके गांव में, आपके शहर में, आपके तहसील में अगर कोई दो गुट है, दो ग्रुप है, जो एक जिसका एक दूसरे के साथ झगड़ा है, जो एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं है उनका, और अगर आपको उन दोनों को एक करना है तो सिर्फ आप एक काम कीजिए, किसी भी एक खेल के अंदर, खेलकूद के अंदर इन दोनों को एक कीजिए, बस एक खेल में इन दोनों को शामिल कीजिए। लेकिन खेल ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल में एक बार आप कोई कंपटीशन कर रहे हो और ये एक दूसरे के साथ दुश्मनी से लेके खेल रहे हो, ऐसे नहीं, कंपटीशन वाला नहीं, लेकिन रेगुलरली अगर वो मिलते हो, रेगुलर उस खेल को खेलते हो, तो देखिए कुछ दिनों बाद ये दोनों ग्रुप, ये दोनों गुट जो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे, वो कितने एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, कितने एक हो जाते हैं। और दोस्तों ये जो चीज है ना, ये सिर्फ गांव में और शहर में काम नहीं करते, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं स्पोर्ट डिप्लोमेसी। दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ये दोनों बहुत ही एक दूसरे के खिलाफ, यानी एक दुश्मन ऐसे देश है, लेकिन ओलंपिक में जब ये दो देश एक दूसरे के साथ खेलने लगे तो दोस्तों उसके एकात्मता को प्रोत्साहन मिला, कितने सारे लोग आगे आए और एकात्मता को उसने शुरुआत की, और इसका कारण था ये खेलकूद। इनफैक्ट हमें अपना बचपन इतना अच्छा क्यों लगता है, इतनी अच्छी हमारी यादें क्यों होती है बचपन की, उसमें से सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन अगर कुछ रहता है तो वह खेलकूद का। इनफैक्ट इसमें जितना हारना इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन हमारे दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ जब हम खेलते हैं और उनके साथ जो बॉन्ड हमारा तैयार होता है, जो रिश्ता तैयार होता है ना, वो हमारे बचपन के हंसी का और खुशियों का असली कारण होता है। इनफैक्ट आप किसी भी एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, एक क्रीड़ा संकुल में जाइए, किसी मैदान में जाइए, आप मैदान में जाने के बाद आपको बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा, आप महसूस करेंगे एक ऊर्जा। क्यों? क्योंकि उस क्रीड़ा संकुल में, उस मैदान में जितने सारे बच्चे, जितने सारे लोग आते हैं, खेलते हैं, वो बहुत पॉजिटिव होते हैं,
खेलने के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत खुश होते हैं और उनके जो वाइब्स, उनके जो विचार होते हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है वो आप महसूस करते हैं, वो आप फील करते हो। इनफैक्ट हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे जो सीनियर सिटीजन है, वो कई बार उनके लिए एक स्पेशल पार्क बनाया जाता है जिन्हें हम नाना नानी पार्क कहते हैं। बहुत बार किसी गांव के नुक्कड़ पे या किसी बिल्डिंग के नीचे वो लोग मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, बस ऐसे लोगों को आप देखिए। और ऐसे बुजुर्ग, ऐसे सीनियर सिटीजन को देखिए जो खेल के लिए मिल रहे हैं, भले ही वो इंडोर गेम हो, चेस हो, कैरम हो, आउट मैदान में अगर कुछ खेल खेल रहे तो अलग ही बात, लेकिन अगर ये खेल खेल रहे हैं ये सभी बुजुर्ग, ये हमारे सीनियर सिटीजन, तो आप देखिए कि उनमें जो रिश्ता होता है, इतने खुश आपको दिखाई देंगे ये बुजुर्ग भी। यानी इसमें उम्र का वगैरह कुछ लिहाज नहीं, खेल कुछ सबको इतना पॉजिटिव, इतना खुशहाल बनाता है। इनफैक्ट एडिक्शन, ये नशा पानी जो करते हैं युवा हमारे, क्यों करते हैं नशा पानी? नशा पानी करने से शायद उनको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, नशे से शायद उनका मूड अच्छा होता है, नशे के बाद वो खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, इसलिए वो सिगरेट, दारू या ऐसी कुछ चीजें करते हैं। और इस नशे के साथ क्या जीवन की बर्बादी होती है, हम सब जानते हैं दोस्तों। जो जो आपको खुशी चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो मूड अच्छा चाहिए, इससे कई गुना अगर कुछ करता है तो वो है खेलकूद। खेलकूद के सिर्फ दिन में एक घंटा, यानी एजुकेशन के टाइम में हम एजुकेशन पढ़ाई जब करते तो बहुत देर तक करनी पड़ती है, जरूरत है, वो हमारा फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ एक घंटा खेल खेलिए आप, एक घंटा। और अगर आपको आपको हफ्ते में 2-3 दिन ही अगर मिलते हैं खेलने के लिए, तो भी जाइए, खेलिए और देखिए, इतनी खुशी, इतना कॉन्फिडेंस आपको महसूस होगा, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस नशाबाजी ऐसा कुछ करने की। अगर हम चाहते कि हमारे बच्चे, हमारे युवा इसकी तरफ ना जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि इनको खेलकूद की आदत लगाना। सबसे बड़ा एडिक्शन, सबसे बड़ा नशा आज की तारीख में हमारे समाज में है, तो वो है मोबाइल का। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक बहुत प्रॉब्लम आज जो हमारे सामने, जितने दुष्परिणाम हम देख रहे हैं मोबाइल की वजह से, इस सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से, दोस्तों इसको अगर हमें इसको सॉल्व करना है, इसको दूर करना है, तो इसका एक ही तरीका है और वो है खेलकूद। और जैसे मैंने कहा कि खेलकूद सिर्फ बच्चों का काम नहीं है, तो बच्चे से लेके बूढ़ों तक अगर आप खेलकूद में सिर्फ डालिए, ये सब निकल जाएंगे ये चीजें। इनफैक्ट इन बच्चों में, युवाओं में बहुत सारी एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, और इस ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करना बहुत जरूरी होता है। अगर इस सही दिशा में बच्चों की, हमारी युवाओं को एनर्जी चली जाए, इसका यूटिलाइज हो, उपयोग हो, तो अपने समाज को, अपने देश को एक तरक्की की राह पर लेके जा सकता है। लेकिन अगर इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को हमने सही दिशा में चैनलाइज नहीं किया, तो फिर वो गलत काम भी करते हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी रोल है खेलकूद का, क्योंकि खेलकूद उनके इस ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करती है, सही और लेके जाती है, उनका कैरेक्टर डेवलप करती है। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है खेलकूद का, जो हम समझते नहीं। समाज का कैरेक्टर डेवलप करता है खेलकूद। समाज का कैरेक्टर का मतलब क्या? आज हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में लोग एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते, वो है समाज का कैरेक्टर। उस समाज में लोग बूढ़ों को, बुजुर्गों को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, वो है समाज का कैरेक्टर। उस समाज में लोग महिलाओं को कितनी इज्जत देते हैं, कैसे उनको संभालते, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो है समाज का कैरेक्टर। बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कौन सी चीज वो उनको सिखाते हैं, वो है समाज का कैरेक्टर। क्या सोच रखते हैं समाज, कौन सी दिशा में जाता है समाज, कितना शांतता प्रिय है समाज, कितना एंटी सोशल, एंटी सोशल क्राइम कितनी कम है समाज में, ये है कैरेक्टर समाज का। और कितना जरूरी है दोस्तों, समाज ये कैरेक्टर डेवलप होना किसी भी समाज में कितना जरूरी है, और कौन करेगा? हम सभी एजुकेट, हमें सभी शिक्षा लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, यानी 20 साल तक हम पढ़ाई करते हैं, कम से कम कोई भी आप रहिए, किसी भी, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो, डॉक्टर इंजीनियर बनते हो, तो आप 25-25 साल तक, 30-30 साल तक कभी कभी करना पड़ता है आपको। लेकिन जो कैरेक्टर, जो समाज का निर्माण करना चाहिए, जिस समाज में सबको फर्क महसूस हो, सबको कॉन्फिडेंस, सबको सेफ्टी, ट्रस्ट महसूस हो, ऐसे समाज को निर्माण करने का कार्य अगर कुछ करती है, तो वो है खेलकूद। खेलकूद लोगों का कैरेक्टर डेवलप करती है, और ये लोग मिलके फिर हमारे समाज को
डेवलप करता है और ये समझ फिर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। और एक चीज जिसके बारे में ना ज्यादा हम कुछ बात कभी सुनते हैं, ना उसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं, ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता ये क्या है, और उसका नाम है सोशल कैपिटल। क्या होता है सोशल कैपिटल? यानी हमने बिजनेस के एंगल से अगर हम देखें तो हमको एक कैपिटल पता है, मनी कैपिटल। धंधा करना है, बिजनेस करना है तो पैसे लगते हैं, वो कैपिटल लगता है, फिर उससे फिर बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉफिट कर जनरेट कर सकते हैं, वो है। तो मनी कैपिटल है, टेक्नोलॉजी कैपिटल है, पूंजी जिसे कहते हैं, ये सब एक बिजनेस के लिए कर सकते हैं। लेकिन सोशल कैपिटल का मतलब क्या है? समाज एज अ कैपिटल, समाज एज अ पूंजी, किसके लिए? तो उस समाज के सिर्फ आर्थिक नहीं, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए, हमारे देश का आर्थिक सामाजिक विकास के लिए बहुत जरूरी है सोशल कैपिटल। और क्या है सोशल कैपिटल? सोशल कैपिटल वही कि लोग मिलके कितना ज्यादा प्रोडक्टिव, कितना अच्छा कर सकते हैं पूरे सोसाइटी के लिए। और ये इतनी जरूरी चीज है दोस्तों, यानी मनी कैपिटल, टेक्नोलॉजी कैपिटल, ये सब एक तरफ, सबसे जरूरी अगर कुछ है तो सोशल कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट है समाज जो ये सोचता है, फिर उस दिशा में, एक तरह की दिशा में अपने देश को, अपने समाज को लेके जा सकता है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि अगर उस समाज में बहुत सारे लोग अपने अलग अलग तरीके से अगर कंट्रीब्यूट करें तो समाज ज्यादा प्रोडक्टिव है। और हमारे हर समाज में, हर जगह में आप देखोगे कि हर हर जो व्यक्ति होता है ना, उसकी एक अलग विशेषता है, वो अलग रूप से कुछ कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। और ये सभी लोग एक तो आने चाहिए उस समाज में वो प्रोडक्टिव बनाने के लिए। कौन लाता है ये? तो ये सभी को एक लाने का काम करता है खेलकूद। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी लोगों को लगना चाहिए कि समाज मेरा है, मैं इस समाज का हिस्सा हूं और ये मेरा समाज है, मेरा परिवार है। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग तैयार करता है खेलकूद। नेटवर्क्स, बॉन्डिंग, ब्रिजिंग, ये एक दूसरे के साथ मिलना, ये करता है खेलकूद। फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, फीलिंग ऑफ सेफ्टी, कितनी जरूरी चीज है ये कि जिस समाज में रहता हूं मैं, सुरक्षित हूं मैं, जिस समाज में मेरे लोगों के ऊपर मैं भरोसा रख सकता हूं, ये सब अच्छे लोग हैं, ये फीलिंग आती है खेलकूद से। रिसिप्रोसिटी, यानी अगर मैं किसी को अपना हाथ दूं तो वो भी मुझे हाथ देगा, वो हमारे साथ, यानी वो रिएक्ट करेगा, कुछ चीजें होगी तो उसमें मुझे हेल्प करेगा, ये आता है खेलकूद से। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन यानी भाग लेना, ये तो स्टार्ट ही होता है खेलकूद में, शुरुआत ही होती है कि आप उसको उसमें भाग लेना पड़ता है। सिटीजन पावर, वैल्यू, नॉर्म्स, आउटलुक इन लाइफ, यानी जीवन की तरफ देखने का नजरिया ही बदल देता है ये खेलकूद। इतना जरूरी है खेलकूद, और खेलकूद इस सोशल कैपिटल को निर्माण करता है। दोस्तों हम बहुत पढ़ाई करते हैं, अलग अलग विषय में अलग अलग लोग एक्सपर्ट है, लेकिन सबको इकट्ठा ला के डेवलप करने का काम अगर कोई करती है तो खेलकूद। जो खेलकूद में माहिर होते हैं, हुनर होते हैं, रेगुलर होते हैं, वो एज अ वर्कफोर्स, यानी वो जहां भी काम करते हैं वैसे ही काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस में काम करे, नौकरी में काम करे, वो सबसे ज्यादा इंथुजियास्टिक और प्रोडक्टिव होते हैं। इनफैक्ट ये जो हमारे समाज में एंटी सोशल चीजें होती है, अपराध होते हैं, समाज विरोधक चीजें होती है, ये क्यों होती है? क्योंकि ये जो लोग ये सब चीजें करते हैं ना, ये युवा हो या कोई भी व्यक्ति हो जो समाज के विरोधी कुछ भी चीजें करते हैं, वो अपने आप को उस समाज का हिस्सा ही नहीं समझते। बहुत बार तो वो समाज, उस समाज को कहते कि ये समाज, उनको लगता है कि खिलाफ है मेरे समाज। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो ये चीजें करते हैं उनको सिर्फ खुद से लेना देना होता है, उनको जरा भी पड़ी नहीं होती कि समाज का क्या होगा, वो उसको लगता ही नहीं कुछ समाज से नाता। दोस्तों ये नाता जोड़ने का काम, मैं ये समाज मेरा है, मैं इनका हूं, ये करने का काम करता है हमारा खेलकूद। जब खेलकूद में आप होते हो ना तो ये काम नहीं करते। अगर आपको एंटी सोशल एक्टिविटीज, आपको ये क्राइम अपराध कम करने हैं ना, तो कितने ज्यादा कानून कर लीजिए आप। सबसे जरूरी अगर इसके ऊपर दवा है, उसके ऊपर उपचार है, तो उपचार है खेलकूद। दोस्तों खेलकूद ऐसी चीज है ना कि सबको एक रंग में ढल देती, सब एक रंग के हो जाते। आपका धर्म क्या है, आपका संस्कृति, आपकी कल्चर क्या है, कहां से आए हो, क्या बोली भाषा है, कोई मायने रखता ही नहीं। ये खेलकूद ऐसी चीज है ना कि सब एक हो जाते हैं सुंदर रंगों में। जैसे हमारा होली का त्योहार है, अगर एक रंग से खेले तो उसका मजा नहीं जितना ज्यादा रंग से होता है, वैसे ही होता है खेल में। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जो खेलकूद करते हैं ना, वो फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं। ये खेलकूद पोल्यूशन कम करता है। कैसे?
तो लोग जो खेलकूद करते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, तो चल के जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, गाड़ियों का कम उपयोग करते हैं, इसलिए पोल्यूशन भी कम करते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है जो खेलकूद करता है दोस्तों, ये संकल्पना, और इस संकल्पना का नाम है वॉलंटियरिंग, इस संकल्पना का नाम है स्वयं सेवकता। स्वयं सेवक बनना यानी क्या? इसका मतलब है कि ऐसा कुछ काम करना, ऐसा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना जो निजी फायदे के लिए नहीं है, जो हमारे समाज के लिए, बाकी के लोगों के लिए कुछ करना है। और ये स्वयं सेवकता कितनी जरूरी है कभी नहीं सोचते हम। इनफैक्ट मैं तो ये आपको बताता हूं कि हमारे समाज के सामने आज जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी संकट चीजें हैं, चैलेंजेस है, मैक्सिमम चैलेंज सॉल्व हो सकते हैं कि अगर हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा थोड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे, जो भी काम लगता है। अभी देखिए कि हमारे कितने सारे गांव है, शहर है, जो पानी में उसकी बहुत दिक्कत हो जाती है, वो पानी में स्वयं पूर्ण नहीं है। अभी घर में आधा घंटा, एक घंटा नल आता है, पानी आता है, उसमें कैसा हम पानी भर के रखते हैं स्टोरेज में कि फिर वो पानी हमें पूरा दिन चलता है। अभी ये प्रकृति 12 महीने में 4 महीना हमको पानी देती, तो 12 महीने को अगर हम एक दिन पकड़े तो 8 घंटा प्रकृति हमें पानी देती। अगर हमारे यहाँ एक महीना भी पानी आता है, बारिश होती है आपके यहाँ, तो ऐसा समझे कि प्रकृति दिन में 2 घंटा आपको पानी दे रही है। तो हमारे काम है ना कि इस पानी को स्टोर करके रखना, पानी में स्टोर कर, जमीन में स्टोर करके रखना, उसके लिए जलाशय का निर्माण करना। मिलके अगर हम ये काम करें तो हर गांव, हर शहर को हम इसके 100% पानी में सफिशिएंट कर सकते हैं। इतना कुदरत दे रही है हमको, कौन करेगा? ये हमने करना चाहिए सबने मिलके। ये पेड़ लगाना है, ये ब्लड डोनेशन है, कई सारी चीजें। और दोस्तों ये स्वयं सेविकता जो आती है ना, वो आती खेलकूद से। खेलकूद का बेसिक प्रिंसिपल है वो। अगर आप देखेंगे भी ना, आप जो भी स्वयं सेवक का काम करते हैं, आप देखे कौन है रहते हैं उधर, मैक्सिमम टाइम आपको नजर आएंगे कि ये जो क्लब्स होते हैं ना खेलकूद में, जो लोग इकट्ठा आते हैं, जो एसोसिएशन मंडल, वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे काम करते हैं। क्योंकि बेसिक नेचर है खेलकूद का, बेसिक वो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर खेलकूद होता है। खेलकूद की वजह से बच्चों या सबके सब में एक वर्थ यानी कॉन्फिडेंस का निर्माण होता है कि यार मैं काम का हूं। बहुत बार क्या होता है कि लोग निराशा में चले जाते हैं, और अब ये सोशल मीडिया की वजह से तो अकेला महसूस करते हैं, उनको लगता है मेरा कुछ भी फायदा नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं किसी काम का ही नहीं हूं। ये नहीं होता, खेलकूद के कारण आपको वो सेंस आता है वर्थनेस कि हाँ मैं कर सकता हूं, मेरा भी कुछ जज्बा है, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। अभी जिन महापुरुषों को हम जिनकी पूजा करते हैं, जिनको वंदन करते हैं, अब ये महापुरुष अगर इनकी जिंदगी आप देखोगे ना, तो आज जितने भी संकट आप में नजर आ रही है वैयक्तिक लेवल पे या समाज के लेवल पे, उससे कई ज्यादा गुना डिफिकल्ट टाइम उनके समय में था, संकट उनके सामने था, लेकिन यही कॉन्फिडेंट, यही जज्बा था जिसके वजह से उन्होंने सबको मात देती है, वो आगे निकल जाते हैं, और अब आज हम उनकी पूजा करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा ये वर्थ? तो ये आता है खेलकूद से। ये बच्चों को, युवा को, जो अगर इनको ये कॉन्फिडेंस देना है, सेल्फ एस्टीम देनी है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो ये आएगा खेलकूद से। दोस्तों खेलकूद पर्यावरण को भी हेल्प करता है, क्योंकि जब आप खेलकूद में, खेलकूद को महत्व देते हो, खेलकूद ज्यादा करते हो, तो शहरों में फिर वो मैदानों का निर्माण होता है, सेंटर्स का निर्माण होता है, ओपन जगह का निर्माण होता है। नहीं तो इतनी भीड़ भाड़ की जगह में कौन कहाँ होते हैं ऐसे ओपन जगह, जो कितनी जरूरी होती है, फिर वहां पेड़ लगाए जाते हैं, तो ये पर्यावरण को भी हेल्प करता है। इनफैक्ट आज के तारीख में ये जो क्रीड़ा केंद्र है, ये कम्युनिटी सेंटर्स बन चुके हैं। यानी जैसे स्कूल में, कॉलेज में हम जाते थे और वहां फिर हमारा बहुत अच्छा एक सोशल सर्कल बनता था, इनफैक्ट इतना अच्छा बनता है कि जिंदगी तक हम उनको मेंटेन करते। वैसे ही आज की तारीख में अगर वैसे ही स्ट्रांग बॉन्डिंग अगर आज आपको दिखाई देगी कहा, तो वो है क्रीड़ा केंद्र। कहीं भी जाइए, जो लोग रेगुलरली आते हैं ना खेलने के लिए, वो इतने अटैच्ड होते हैं, जबरदस्त। इनफैक्ट हमेशा हमें कहा जाता है कि वर्क लाइफ का बैलेंस होना चाहिए। यानी आप ये पैसों के लिए इतना भागदौड़ी करते हैं ना, मेहनत करते हैं, उसके साथ साथ जिंदगी जीनी भी चाहिए, जिंदगी में आनंद लेना चाहिए। कहां से आएगा आनंद, कहां से आएगा? एक तो है फैमिली लाइफ, उसके साथ टाइम गुजारना, सब ठीक है दोस्तों। अगर सच में आनंद चाहिए, सच में जिंदगी का मजा चाहिए, जिंदगी जीनी चाहिए, तो आप खेल खेल के दीजिए। देखिए एक किसी खेल को जो आपको अच्छा लगता है, बस खेल कूद को जाइए, इतना आनंद आपको मिलेगा।
इनफैक्ट जब भी खेलकूद में बच्चे शामिल होते हैं ना, तो वो बच्चे के साथ जो बच्चे खेलने आते हैं उनके माता पिता भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे जगह में जहां बूढ़े लोग भी अगर एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं तो उनके भी फैमिलीज एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं इस खेलकूद के साथ। तो ये जोड़ने का काम, एकात्मता का काम खेलकूद करती है। खेलकूद क्या होता है कि खेलकूद पूरे समाज में एक एक्टिव लाइफस्टाइल प्रमोट करता है। अगर मैं जिम जाता हूं तो मैं अपनी बॉडी, अपनी सेहत के लिए काम करूंगा। देखिए खेलकूद ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं इकट्ठा और फिजिकली एक्टिव करते हैं। अगर खेलकूद का ये संस्कृति का अगर हमने निर्माण किया, इस कल्चर का निर्माण किया खेलकूद का, तो ये पूरे समाज को एक्टिव बना सकती है। इनफैक्ट ये जो लोग है, ये जो एक एक खेलकूद करने वाले इंसान है, व्यक्ति है, इनकी इनका कैरेक्टर डेवलप करता है खेलकूद, और यही लोग बन के बनता है समाज, इससे ही बनता है देश। तो एक देश का कैरेक्टर डेवलप करने का काम करता है खेलकूद। कितना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है खेलकूद का, जो समझना चाहिए हमें। इनफैक्ट अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या जागतिक आरोग्य संगठन, आपने नाम तो सुना होगा। जागतिक आरोग्य संगठन वो संगठन है जो हमारे सेहत के बारे में वो विश्व के लेवल पे वो काम करती है पूरे देशों के लिए, और वो बताते हैं कि ये करो ये मलेरिया है, डेंगू है या बाकी कुछ, तो उसके वो पूरे नॉर्म्स है जो सभी देश फॉलो करते हैं। अभी जागतिक आरोग्य संगठन ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य अगर अच्छा रखना है तो आपको ये 10 स्किल सीखने चाहिए, सिखाने चाहिए, ताकि उनको फिर जिंदगी पर बहुत अच्छी तरह से वो जिंदगी जी सकते हैं। और इसी स्किल्स की मैं बात कर रहा था, पढ़ाई में, एजुकेशन में हमें वो चीज मिलती है, माता पिता बताते हैं, टीचर्स भी हमें बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली उसे ट्रेन अगर कोई करता है इस स्किल्स में, तो वो है खेलकूद। अभी जागतिक आरोग्य संगठन कहता है कि आप हमेशा निरोगी अगर रहना है आपको ये 10 स्किल चाहिए, और ये 10 स्किल्स डेवलप करती है खेलकूद। नंबर वन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या निराकरण। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग, विश्लेषण का विचार करना, विश्लेषण करना एक चीज का कि ये चीज हुई तो किसकी वजह से हुई, नहीं हुई तो क्यों हुई, तो क्या करना चाहिए आगे, ये खेलकूद सिखाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आजकल कल की तारीख में कम्युनिकेशन सिर्फ मोबाइल के ऊपर होता है, ये कम्युनिकेशन नहीं है, एक दूसरे के साथ बात करना, बेहतर करना, यह है कम्युनिकेशन जो खेलकूद सिखाता है। डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता। क्रिएटिव थिंकिंग यानी कुछ अलग सोचना, ये सब नेचुरली खेलते खेलने में सब कुछ आता है, अलग कैसे खेले, अलग कैसे काम करे, तो क्रिएटिव थिंकिंग भी ये करता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक दूसरे का साथ जो व्यवहार है, संबंध है, वो बेहतर करना। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस बिल्डिंग यानी उस खुद को डेवलप करना, खुद का कैरेक्टर डेवलप करना। इम्पाथी यानी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, ये डेवलप होता है इस खेलकूद से। कोपिंग विथ स्ट्रेस, तान तनाव के ऊपर उसके साथ उसका मुकाबला करना, उसका आगे निकल जाना, ये करता है खेलकूद। कोपिंग विथ इमोशंस, इमोशंस कम ज्यादा ये नेचुरल है, अगर हम जिंदा है तो ये होने ही वाला है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन उसके उसको फॉल करके अगर हम गलत काम चीजें गलत चीजें करना, ये जरूर नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें, ये सिखाता है खेलकूद। WHO जो 10 चीजें बताते हैं कि होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की अच्छी लाइफ के लिए, पूरी जिंदगी के लिए, तो ये सभी 10 चीजें अगर कोई सिखाता है तो वो है खेलकूद। दोस्तों खेलकूद ना एक बिलोंग यानी खेलकूद से लोगों को लगता है कि मैं एक बड़े समाज का, बड़े लोगों का पार्ट हूं, एक सेंस बिलोंगिंग का डेवलप करती है, और ये बहुत बहुत क्रुशियल है। आज अगर आप देखोगे ना, ये सोशल मीडिया के जमाने में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं इतने, वो फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, ये वो, लेकिन टाइम पे जब आपको किसी से बात करनी होती है, जब आपको किसी की जरूरत होती है, किसी के साथ कुछ शेयर करना होता है, कोई नहीं होता। और यही कारण है कि बहुत ज्यादा निराशा वैमनस्य बढ़ रहा है हमारे बच्चों में, युवाओं में। खेलकूद ये इसको पूरी तरह से हटा देता है। खेलकूद ऐसी चीज होती है ना कि आपको लगता है कि मेरे ये सब लोग हैं, ये मेरे दोस्त लोग हैं, ये मेरा पूरा ये मेरी कम्युनिटी है, ऐसा आपको लगता है, जो बहुत जरूरी है। इनफैक्ट जब भी सर प्रॉब्लम आए, कुछ जरूरत हो, तब ये सभी लोग इकट्ठा आते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको जरूरत को पूरा करने के लिए, ये बहुत जरूरी है। इनफैक्ट खेलकूद एक बिजनेस भी हो सकता है, खेलकूद की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। हमने देखा IPL, प्रो कबड्डी, ये सभी चीजों की बात, अभी कितने अच्छा बिजनेस उन्होंने डेवलप किया है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे।
आप भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, हमारे तहसील में, हमारे गांव में, हमारे शहर में कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं स्पोर्ट्स का, कि जो देखने के लिए शायद बाजू के गांव से, तहसील से लोग आए, जिले से लोग आए, और ऐसी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हो सकती है। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खेलकूद बताती है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमेशा। ये इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी जरूरी चीज है दोस्तों कि आप समझ नहीं सकते। हम जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उनके सीईओ फाउंडर होते हैं, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो खूबी होती है वो ये होती है कि हर दिन हमेशा वो कुछ ना कुछ नया सीखते सीखते की कोशिश करते हैं। अगर मैं कुछ लेक्चर दूं तो बिल गेट्स पहले बेंच पे आके बैठेंगे और सीखेंगे कि ये क्या बता रहा है। दोस्तों ये हर फ्राइडे को जो मैं आपको प्रेजेंटेशन देता हूं, ये आधे घंटे का, पौने घंटे का, 30-45 मिनट्स का जो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने रखता हूं अलग अलग विषय को लेकर। अब ये प्रेजेंटेशन सिर्फ आधे घंटे का, पौने घंटे का होता है, लेकिन उसके पीछे मैं बहुत पढ़ाई करता हूं, रिसर्च करता हूं, पढ़ता हूं, और ये जो मैं आपको बताता हूं इससे आपको तो फायदा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा मेरा खुद का होता है। हर चीज के बारे में मुझे इतना ज्ञान मिलता है और इतना जरूरी है, मैं आपको बोलता हूं। और एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर मैं किसी दूसरे विषय को पढ़ के इतना सब आपको बोल सकता हूं, तो मैं ये भली बात ही जानता हूं कि कैसे मैं अपने विषय के साथ डील करूंगा। मैं भली बात ही जानता हूं कि कैसे MCL को दुनिया की नंबर वन कंपनी बनानी, और हम लोग बहुत जल्दी ये करके दिखाएंगे, MCL को दुनिया की नंबर वन कंपनी बनाएंगे। तो ये तो हुए समाज के बेनिफिट जो खेलकूद सिखाता है लोगों को, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे, निजी तौर पे क्या करता है खेलकूद, तो सबसे पहले फिजिकल हेल्थ, हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको बहुत बेहतर करता है। अगर आप खेलकूद करते हो तो आप मोटे नहीं होंगे, तो मोटेपन से दूर रहोगे। अगर आप खेलकूद करते हो तो कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल और एक बैड खराब कोलेस्ट्रॉल। ये लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ये खराब होता है जिसको कम करता है खेलकूद, जिससे फिर हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है खेलकूद, हाइपरटेंशन प्रिवेंट करता है। एक तो आप मेंटली भी उसके आपका मूड अच्छा होता है, रहता है, आपका सर्कुलेशन बेहतर करता है, हार्ट बेहतर करता है, इसलिए ब्लड प्रेशर नहीं होता आपको। इनफैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खेलकूद ऐसी चीज है ना कि खेलकूद आपके सिर्फ प्रत्येक हर एक इंसान में एक पोटेंशियल है। हम हमेशा कहते हैं ना कि हम अपने ब्रेन का उपयोग सिर्फ 5% ही करते हैं, 95% ब्रेन का उपयोग तो कोई करता ही नहीं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन सिर्फ ब्रेन नहीं, हर एक चीज है, आप लीवर, स्प्लीन, सब 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 लीजिए, उसको जब स्टिमुलेट करने की जरूरत है, हमारे पास इतनी इम्यूनिटी होती है, इस इम्यूनिटी को जगाने का काम करता है खेलकूद। एक मुन्ना भाई MBBS नाम का एक मूवी आया, उसका ये पिक्चर है, और उसमें एक शॉट है, एक सीन है कि जिसमें एक सर्जन होता है, उसके पिताजी, उनकी तबीयत एकदम खराब हो जाती है, उनको एडमिट किया जाता है, और सभी डॉक्टर बोलते हैं उनके सीनियर्स कि अभी इनका नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता, ये अच्छे नहीं हो सकते। और ऐसे समय पे वो संजय दत्त उसके लिए वो कैरम लेके आते हैं, और उस कैरम की वजह से वो फिर से अच्छे होते हैं। अब ये सीन जो है, ये सीन सिर्फ आपको इंटरटेन करने के लिए, मनोरंजन के लिए बिल्कुल नहीं, ये एक्चुअल में है। आप देखिए खेलकूद किसी भी उम्र में शुरू कीजिए, आप देखिए कि उसके साथ किस तरह से आपकी जिंदगी बेहतर होती है, किस तरह से आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। आप कोई भी अगर बीमारी भी हो ना, वो बीमारी कितने बेहतर से आप उसको ट्रीट कर सकते हो, ये होता है खेलकूद से। आप देखो जो खेलकूद करते हैं बहुत खुश रहते हैं ना, वो बहुत लंबी जिंदगी जीते हैं, मसल्स आपके स्ट्रांग होते हैं, इसके वजह से, खेलकूद की वजह से हमारे बच्चों के, हमारे सबके बोन स्ट्रांग होते हैं। इनफैक्ट इस खेलकूद की वजह से जो हमारी मानसिक जो बीमारी है, मानसिक जो तबीयत है, वो भी बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले तो मूड हमेशा अच्छा रहता है, ये बहुत चीयरफुल रहते हैं खेलकूद करने वाले लोग, आपको देखेंगे कभी ऐसी बहुत ज्यादा मायूस आपको नहीं दिखाई देंगे, वो बहुत चेयरफुल ऐसे रहते हैं, उनका मूड बहुत बेहतर होता है। दूसरा, ये स्ट्रेस रिड्यूस करता है खेलकूद। आप कुछ भी होने दीजिए, आप थोड़ा सा खेल के आइए, आप देखिए कैसा मूड होता है आपका। ये डिप्रेशन, ये जो आज बहुत बड़ी समस्या है, आपको पता है कि हमारे यहाँ आत्महत्या का रेट अभी बढ़ रहा है, ये वही मोबाइल, ही सोशल मीडिया, जिसकी वजह से हम अकेला महसूस करते हैं, इससे निकलने का काम करता है खेलकूद। अभी स्लीपिंग हैबिट्स, ये बहुत जरूरी है, अच्छे दिन की शुरुआत होती है अच्छी नींद से, अच्छी नींद टाइम पे आप लेना, सुबह जल्दी उठना अच्छी तरह से, ये बहुत जरूरी है, और ये करता है खेलकूद। अगर आप अच्छी तरह से खेलते तो बहुत जल्दी आप सोओगे।
कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तैयार करता है खेल को। लेकिन इसके अलावा ऐसा भी है कि अगर आपको कुछ बीमारी है तो कुछ ऐसी बीमारी है जो बीमारी आपको है वो खेल कूद से ठीक हो सकती है, ऐसा भी कुछ है। यानी आपको ये बीमारी ऑलरेडी है और वो खेल कूद से अच्छी हो सकती है। तो कौन सी है? डायबिटीज। दो तरह के डायबिटीज है दोस्तों। एक टाइप 1 डायबिटीज है जिसमें आपके शरीर में इंसुलिन होता ही नहीं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं और जिंदगी भर आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, वो अलग है। लेकिन मैक्सिमम जो डायबिटीज हमें दिखाई देता है ना वो टाइप 2 डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन आपके यहाँ होता है लेकिन फिर भी शुगर शक्कर बढ़ती है। और इसको कम करने का काम सभी वे में, फिजिकली भी आप करते हैं लेकिन मेंटली भी इसको कम करने का काम करता है खेलकूद। अस्थमा, अस्थमा ये रिएक्शन है ना बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम के किसी भी एलर्जन के लिए, इसको बेहतर करता है खेलकूद। आर्थराइटिस अगर आपको है, आप सच में चालू कीजिए डॉक्टर का ऑफकोर्स पूछ के, आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, आपके बोन को बेहतर करता है खेलकूद। कैंसर, अभी कैंसर के बारे में, कैंसर स्टेज, अलग अलग स्टेजेस का कैंसर होता है लेकिन इस कैंसर को लड़ने के लिए सबसे जरूरी क्या होते हैं? हमारी इम्यूनिटी, हमारी आत्मशक्ति। एक्चुअली खेलकूद इस चीज को बढ़ाता है, हम नहीं समझते। अभी उस मुन्ना भाई MBBS का मैंने आपको एक सीन बताया लेकिन एक्चुअली ये है, खेलकूद बहुत बड़ा असर डाल सकती है आपकी इम्यूनिटी के ऊपर और डालती है, करना चाहिए। डेमेंशिया, डेमेंशिया एक जनरल टर्म है। डेमेंशिया में क्या होता है कि आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता, आप बराबर थिंक नहीं कर पाते हैं और कई सारी बीमारियां में होता है, ओल्ड एज से भी हो सकता है, बाकी और कुछ बीमारी है उसमें ये होता है। लेकिन खेलकूद ऐसी चीज है ना कि इसको बेहतर करता है। हार्ट डिसीज, अगर आपको हार्ट डिसीज है, अगर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कुछ ना कुछ खेलकूद चालू कीजिए। हमेशा शारीरिक नहीं मानसिक अच्छा होना भी जरूरी है और ये दोनों करता है खेलकूद दोस्तों। लेकिन एक बात समझ लेते हैं कि हमारे ये जो बच्चे हैं ना, हमारी आने वाली पीढ़ी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। आने वाले दिनों में हमारे देश की जो बागडोर है इनके हाथ में है। और आज हमारे इन बच्चों के सामने, युवा के सामने सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा, और उस संकट का नाम है मोबाइल, उस संकट का नाम है सोशल मीडिया, उस संकट का नाम है इंटरनेट। 25-30 साल पहले इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी खेलकूद की जितनी आज है। आज अगर हम इस हमारे आने वाली पीढ़ियों को अगर बेहतर करना है, उनको सही दिशा में लेके जाना है, हमारे देश को बेहतर करना है तो बहुत जरूरी है उनका ख्याल रखना है और उसके लिए बहुत जरूरी है खेलकूद। सबसे पहले तो जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने जो 10 चीजें बताई है ना, ये करनी है आपको सभी तरह का व्यक्तिमत्व विकास के लिए, शारीरिक मानसिक विकास के लिए, तो वो सोशल स्किल सिखाता है खेलकूद। टीम स्पिरिट क्या होता है, कैसे होता है, वो सिखाता है खेलकूद, जहां सब एक मिलके काम करते हैं। कम्युनिकेशन के दोस्तों, इस सोशल मीडिया के इसमें हमारा एक ही कम्युनिकेशन है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, चैट करना, क्या कम्युनिकेशन रहता है? कौन सिखाएगा ये कम्युनिकेशन स्किल, मुझे बताइए, नहीं कोई सिखा। बताने की कोशिश करते हैं हम माँ बाप या टीचर्स वगैरह, लेकिन एक्चुअली ये स्किल बढ़ाता है खेलकूद। खेलकूद बच्चों को डिसिप्लिन करता है, सोशल कर, ये भी बहुत जरूरी है। आजकल के भी फिर ये सोशल मीडिया की वजह से ना बच्चों को, युवा को, उनको नहीं लगता कि उनके साथ कोई है, उनको समझने वाला कोई है, उनकी बात सुनने वाला, बताने वाला कोई है, उनको नहीं लगता और फिर वो उनका प्रोडक्टिविटी वो उस निराशा में चले जाते हैं। खेलकूद अपना सोशल सर्कल बढ़ाता है, एक बड़ी फैमिली उनकी निर्माण करता है और इसके लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं हमारे बच्चे खेलकूद से। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। इसके दुष्परिणाम बहुत जगह पे हमें अभी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। बच्चों को पता होना चाहिए, सब्र पेशेंस लगती है, उनको पता होना चाहिए कि बीज हम डालते हैं जमीन के अंदर, फिर वो उगता है, फिर वो पेड़ ऊपर आता है, पेड़ बड़ा होता है और फिर उसको फल मिलते हैं और हम खा सकते हैं उसको। हमारा जमाना था 25-30 साल पहले, अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती तो क्या करते थे हम किताबें पढ़ते थे, हम किताबें देखते थे, रेफरेंसेस देखते थे, न्यूज़पेपर्स देखते थे, और अगर कुछ नहीं चाहिए तो हम लाइब्रेरी में जाके पिछले वाले जो न्यूज़पेपर्स है ना वो देखते थे, इसमें कुछ है क्या, तब जाके हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी। आज आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, एक सेकंड में बस ओपन किया तो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हमें 25-30 साल पहले अगर हमें कुछ गाना सुनना होता तो हम रेडियो पे हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि ये गाना प्लीज सुनाइए,
या वो कैसेट लानी पड़ती थी, टेप रिकॉर्डर पे बजानी पड़ती थी, और ये सब मेहनत करने के बाद जो आनंद मिलता था उस गाने को सुनने के लिए वो अलग था। आज कौन सा गाना चाहिए आपको, एक सेकंड में मिल जाता है इधर, वो अलग बात है कि वो खुशी नहीं रही आपको। लेकिन आज की तारीख में बच्चों को इंस्टेंट चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, और अगर आपने उनको नहीं दिया, अगर वो इंस्टेंट चीजें नहीं मिलती तो वो कुछ भी करते। बहुत बार कई सारे अपराध, कई सारी चीजें, एंटी सोशल चीजें इसकी वजह से हो रही है। आप पढ़ाई कीजिए इसके ऊपर, कैसे डेवलप होगा ये, कैसे पेशेंस डेवलप होगा, कैसे ये सब्र का फल मीठा होता है, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये कैसे उनको समझेगा, और बताने से नहीं समझता ये ट्रेन करना पड़ेगा बच्चों को, और ये ट्रेन सिर्फ और सिर्फ होगा खेल से। एक स्पिरिट, एक जज्बा होता है, स्पोर्ट्समैनशिप, यानी खेल खेल में कैसा कम ज्यादा चलता है, हार जीत लगे रहते हैं, लेकिन मैं बेहतर खिलाड़ी करता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा, और अगर मेरा कुछ लक्ष्य है तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा। ये जो जज्बा है ना, ये जो कैरेक्टर है ना, ये कहां से आएगा, ये आएगा खेलकूद से। मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम हुई, मेरे जीवन में वो प्रॉब्लम, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कितना देख रहे हैं हम लोग आज, नहीं। लेकिन इसके जबरदस्त ऐसा स्पिरिट, ऐसा जज्बा, ऐसे कैरेक्टर डेवलपमेंट का काम करता है खेल, हमारे बच्चों को तंदुरुस्त हमेशा रखेगा खेलकूद। अब बच्चों का फोकस, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है खेलकूद, मेमोरी जो है वो बेहतर करता है खेलकूद, इनफैक्ट क्रिएटिविटी, नया कुछ कुछ प्रॉब्लम है तो कैसे अलग से हम लोग उसको सॉल्व करें, कैसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करें, ये सब चीजें आती है खेलकूद के साथ। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये डेवलप होता है खेलकूद के साथ। इनफैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल के मोबाइल के जमाने में बच्चे 12-12 बजे तक मोबाइल के ऊपर होते हैं और बाद में जाके सोते हैं, ये बहुत गलत है। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो आदत है, ये आदत तैयार करेगा खेलकूद। दोस्तों, हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ वर्थ है, वो लाएगा खेलकूद। हर सेक्टर में, हर विषय में एक लीडरशिप की जरूरत होती है, कोई ना कोई चाहिए होता है कि जो समाज को या हमारे आजू बाजू जो लोग हैं उनको सही दिशा दिखाने का काम करे, उस लीडरशिप का काम करे। लीडरशिप डेवलप करता है खेलकूद। दोस्तों, ये बच्चे जो है ना, ये बच्चे हमारा सबसे बड़ी हमारा रिसोर्सेस है। हम हमेशा फिजिकल रिसोर्सेस की बात करते हैं, खेती वीती बाकी पानी बीनी, वो तो है, कुदरत ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारे देश को बेहतर करने वाले, हमारा देश, हमारे देश का भविष्य जिनके हाथों में है, वो है हमारे बच्चे, ये हमारी पीढ़ी, और इनको अगर बेहतर करना है, इनका सबसे ज्यादा विकास करना है, तो बस एक चीज के ऊपर हमें काम करना होगा, वो है खेलकूद। हमारे हर तहसील में, हर गांव में, हर शहर में इस खेलकूद को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देना होगा, तब जाके हमारे बच्चे जबरदस्त बनेंगे, डेवलप होंगे, और हमारे देश को उतना महान बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, हर तहसील को खेलकूद में बेहतर करते हैं, और मिलकर अपने राष्ट्र को दुनिया का सबसे महान राष्ट्र बनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय एनसीएल। सो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, ऐसे गाने में कहा गया था, उसके अंदर का जोक छोड़े तो जो वास्तविकता ये है कि खेलकूद का जो इंपॉर्टेंस है वो अपने वैयक्तिक एज वेल एज अपने व्यावसायिक लाइफ में वो कैसे अपने को हेल्प करेगा, और उस तरह से वो जो भारत को बड़ा बनाने की बात है उसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इस बात को आज शाम सर ने बताया। सो गुड मॉर्निंग हम सर ने परिवार, और एक शुक्रवार शाम सर ट्रेनिंग वेबिनार, चांस सुना होगा तो हमारी सोच पे एक जोरदार प्रहार। जी हाँ, गेम स्पोर्ट्स ये कितनी अहमियत रखते हैं एक इंसान को इंसान बनाने में, और जब तक हम इंसान इंसान बने रहेंगे तब तक हम पृथ्वी माता का भी इंसान की तरह सोचेंगे और ख्याल रखेंगे। अलग तरह से एक थॉट को श्याम सर ने हमें बताया कि स्पोर्ट्स हम हमारे ड्रीम को एग्जिबिट करेंगे, सेल नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स जो हमें हमारी पहचान को बनाने में हेल्प करेगा। भारत सदियों से बहुत सारे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता रहा है और आगे बढ़ता रहेगा, और उस स्पोर्ट्स की एक अलग तरह की नींव आने वाले समय में गांवों में, तालुका में, जिले में, हर राज्य में हम और आप एमसेल मिलकर रखेंगे। सुधा वर्गीय जी की कांड वर्जन बताई नारी गुंजन की, कि कैसे एक इंसान जब इंसान बनकर सोचता है तो क्या बदलाव लाता है, उसकी कहानी आज पचवाड़ ने बताई। तो इन दोनों प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा हमारी सोच को एक अलग राह पर ले जाने की बात की गई, और वही राह हमें
इंडिया ग्रेट अगेन बनाएगी। थैंक यू वेरी मच आज सत्र को ध्यान सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच एमएसएस और चैनल पार्टनर्स, एमसीएल स्टेक होल्डर्स, बीडीए, सीनियर बीडीए, सीनियर कंसल्टेंट्स एंड इंटर एनसीलिया परिवार। जी हाँ, मैं बड़े फख्र से कहूंगा हम सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और एमसीएल ही सुदम सुपम भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर। एंड दोस्तों, मैं फिर एक बार आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ में शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पर प्राची मैडम का, जिन्होंने आज हमें सुधा वर्गीस जी की कहानी बताई और किस प्रकार से बचपन से लेकर आज तक उन्होंने एक जमाती को उनका हक दिलवाने के लिए और समाज में अपने बलबूते पर खड़े होने के लिए मदद की है, और इसी के जोर पर उन्हें समाज में न कि सिर्फ अपने देश में बल्कि जागतिक स्तर पर भी उनको सराहा गया है। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। दोस्तों, इसी के साथ हम और एक इंसान जो हमारे डॉक्टर श्याम गोलभ सर है, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, बिकॉज आज जिस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि खेलकूद का महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, हमारे मानसिक स्वास्थ्य और साथ ही साथ हमारे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, और इनकी बदौलत किस प्रकार से हम उस समाज का गठन कर पाएंगे और हमारे देश को भी तरक्की की उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। तो इसीलिए हम सभी को, हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनमें इस खेलकूद की भावना को किस प्रकार से रुझाना होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे सारे सीनियर नेशनल कंसल्टेंट्स, हमारे सारे एमएसएस, सारे एमबीपी, सारे चैनल पार्टनर्स और हमारे सारे स्टेक होल्डर्स जो कि हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो दोस्तों, आप सभी की वजह से आज हम इस नव निर्माण के कार्य में आगे बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, इस विश्वास को इसी तरह से बरकरार रहेगी रखेगा और साथ ही साथ मैं मंगेश शेलार, आपका होस्ट, आप लोगों से विनती करूंगा कि आप अपना संपूर्ण एमसीएल परिवार का ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ मैं घोषित करता हूं कि आज का यह वेबिनार यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।